शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 माह के बिजली बिल को माफ करने की मांग को लेकर वाड़ी लावा के उपभोक्ता महावितरण के कार्यालय आकर अधिकारियों पर जताई नाराजगी। लॉकडाउन के कारण 3 माह के बिजली बिल महावितरण ने उपभोक्ताओं को भेजे नहीं। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिल में कुछ राहत देने की बात की थी, लेकिन सारी घोषणा अधूरी लटकी है। अब महावितरण ने एकदम से 3 माह का बिजली बिल भेज देने से उपभोक्ताओं को बिल अदा करने की परेशानी हो रही है। बिल को माफ करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 10 बजे वाड़ी बकुबाई नगर स्थित महावितरण कार्यालय पर नागरिकों ने दस्तक दी। उप अभियंता रूपेश मेश्राम को ज्ञापन सौंपा। 3 माह का बिजली बिल माफ करने की मांग नागरिकों ने की। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष श्याम मंडपे ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिजली बिल के संदर्भ में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को ज्ञापन देकर बिल माफ करने की मांग करेंगे। एकदम से बिल देना महावितरण की गलती है। हर माह का बिल लोग अदा करते थे, अब एकदम से हजारों रुपए बिल देने से कामगार लोगों को बिल देना मुश्किल हो रहा है। इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की चेतावनी भी श्याम मंडपे ने दी है। भाजपा दौलामेटी मंडल अध्यक्ष सुजीत नितनवरे ने भी उप अभियंता को ज्ञापन देकर बिल माफ करने की मांग की है, नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी जो मेरे घर का बिल आया है वो 2580 रुपए आया है। हालांकि पिछले 2 महीने से मैं कंटिन्यू बिल भरते आ रहा हूँ। पिछला बिल 640 का भर चुका हूँ, उसके पहले भी बिल भर चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी 1 महीने का जो बिल है वो 2580 रुपये है। जब हमने यहाँ पे आके पूछा है कि ये बिल आया कैसे है, तो ये लोग क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये तुम्हारा 3 महीने का बिल है करके। भाई हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये 3 महीने का बिल कैसे आ रहा है करके। वो बोल रहे हैं हमको कि 444 यूनिट आपके 3 महीने के लग के दे दिए करके। अगर हम 444 अगर बिल लेते हैं हम, तो हम ऑब्वियसली 3-4 हज़ार के ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने बिल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने किया नहीं करके। सर हमारे पास जो सोसाइटी में जो बिलिंग भेजे हैं, जैसे मार्च तक का बिलिंग आते हैं, किसी का 700, किसी का 600, किसी का 500 एवरेज आते हैं यूनिट के हिसाब से, तो हम समझ के चलते हैं कि मई महीने में ज़्यादा यूज करते हैं, तो खूब 700 की जगह पर 1000 आना चाहिए। और बीच में जो 2 महीना कुछ लोगों सोसाइटी के हमारे बिल भर भी चुके हैं, लेकिन वो भरने के बावजूद भी एक साथ इकट्ठा 673 यूनिट का एक साथ बिल 7.43 रुपये की दर से भेज दिए, जो कि अभी असमर्थ है भरने के लिए। तो हम लोग ने इनके पास में डिस्कर्स भी किए हैं कि जब हम बिल भर दें तो वो बिल माइनस करके भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजे हैं तो आपने ये फिर यूनिट का रेट जो है वो कम करके देना चाहिए। ठीक है, आज हम मान लीजिए बहुत लोग सक्षम में भर सकते हैं, बहुत लोग सक्षम में डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, वो कहाँ से भरेंगे। तो मैंने हम लोगों ने सर से इतनी रिक्वेस्ट करें कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, ताकि जनता को आसानी रहे भरने में। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग सीधा एक ही लैंग्वेज बोलता है, आपको भरना ही है, तो भरना ही है तो गरीब जनता कहाँ से भर पाएंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमारा 3 महीने के इंस्टॉलमेंट, जैसे 3 महीने के एक साथ बिल भेज दिए हैं, इसका 3 महीने के इंस्टॉलमेंट बना दीजिए और रनिंग बिल में ऐड करके दीजिए। हम लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग बोलता है कि नहीं, आपको 70% भरना है, 30% आपको अगले महीना भरना है। तो लोग ठीक है, जो सक्षम है वो भर देंगे, जो गरीब है वो कहाँ से भर पाएंगे, तो फिर तो उसकी लाइट काट देंगे, तो गरीब जनता क्या करें। माझ्याकडे फरवरीला बिल आला होता, 340 रुपये मंथली बिल येते। माझ्या घरी 2 लाईट आणि 1 पंखा जळते, येऊन बघून घ्या। 2 रूमाचं घर आहे माझंवालं, पण 300-340 रुपये बिल आलं होतं। मी फरवरीला भरला, मार्च गलती आहे, अजून डबल बिल लॉकडाऊन आहे म्हणून 340 रुपये अजून पुन्हा भरला। म्हणजे हे फरवरी मार्च 2 महिन्याचं बिल भरून होतं माझ्याकडे, आता मला कमी बिल यायला पाहिजे ना, 2 महिन्याचं यायला पाहिजे। एप्रिल आणि मे बिल यायला पाहिजे, तर माझ्याकडे 1700 रुपयाचं बिल आलं सर। तर 1700 रुपयाचं मी हातमजुरी करण्यावाला माझा पती आहे, तुम्ही कुठून भरणार आहे सर एवढं 1700 रुपये बिल? नाही, माझ्या घरी फ्रीज आहे, नाही काही आहे। आता आपल्या सर्वांना माहितच आहे की 3 महिन्यापूर्वी कोरोना संकटामुळे जे लॉकडाऊन होतं त्या पिरियडमध्ये मार्चपासून आपल्याकडे लॉकडाऊन झालं आहे। तर वाडी एरियामध्ये 1 मार्चच्या दरम्यान जे शेवटचं नॉर्मल रीडिंग झालेलं होतं, आणि त्याच्यानंतर एप्रिल मे महिन्यामध्ये जे गव्हर्नमेंटची पॉलिसी होती त्याच्यामुळे आपण कुठंच काही फिजिकली काही काम केलेलं नाही आहे। इवन बिल डिस्ट्रीब्युशन हे ते सगळं बंद होतं। आता झालेलं काय आहे की त्या दरम्यान लोकांना ॲव्हरेज बिल देण्यात आले होते, आणि जून महिन्यात पुन्हा आता गव्हर्नमेंटनं आपल्याला परमिशन दिली आणि रिडिंगचे बिल सुरू झाले। तर आता ॲक्च्युअलमध्ये काय झालं की ज्या 2 महिन्याचा जो वापर होता तो आपला उन्हाळ्याचा होता, आणि लोकांना जे बिलं देण्यात आले होते ते हिवाळ्याचा जो ॲव्हरेज होता मागचा त्यांचा 6 महिन्यातला त्यानुसार त्यांना दिले होते। तर त्यामुळे ॲव्हरेज थोडा कमी झाला आणि ॲक्च्युअल यूज त्यांचा ॲव्हरेजपेक्षा जास्त झाला, त्याच्यामुळे त्यांना 3 महिन्यामध्ये जे आहे जो काही 2 महिन्यातला डिफरन्स होता त्यामुळे त्यांना एक जास्तीचे बिलं रेज झालेले आहे। तर त्या संदर्भात आमच्या ऑफिसला ज्या कंप्लेंट्स येऊन राहिल्या आहेत, लोक येऊन राहिले,
तर त्यांना आम्ही ते समजून सांगतो की तुम्हाला जे आहे तिन्ही महिन्याचं जे बिल तयार झालेलं आहे ते स्लॅबमध्ये दिलेलं आहे आणि याच्यामध्ये ग्राहकांचं कुठंच नुकसान झालेलं नाही आहे. त्यांना त्या स्लॅबमध्ये जो येतो जसं 100 युनिटचा स्लॅब असेल पहिला तर 3 महिन्यात त्यांना 300 युनिट ते स्लॅबमध्ये देण्यात आलेलं आहे. महावितरण वाढी कार्यालयातर्फे मी लोकांना वीज ग्राहकांना एक अपील करील की त्यांनी थोडं शांततेनं ऑफिसला सहकार्य करून काम करावं. आमच्याकडे रोजचे 150 वरून ग्राहक येत आहेत आणि आम्ही 3 ते 4 लोक या ग्राहकांच्या समाधानासाठी इथं बसून ठेवलेले आहेत आणि येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांचं समाधान करणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि आम्ही करतो आहे. तर लोकांना मी अपील करील की थोडंसं त्यांनी सहकार्याने आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून महावितरण कंपनीस सहकार्य करावं. इन बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.